वो कहते हैं ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। शामली की अजीम मंसूरी के साथ भी यही हुआ है। अजीम का ख्वाब आज सच हुआ है। आज 2.5 फीट के अजीम घोड़ी चढ़ने वाले हैं। बीते कई दिनों से अपनी शादी की तैयारियों में जोर शोर से लगे अजीम आज शामली से हापुड़ अपनी 3 फीट की दुल्हनिया को लेने जा रहे हैं। मैं तो तैयार हो गया अपनी दुल्हन को लेने जाने, अपनी बेगम को लावे गया। बेगम का क्या नाम है? अजीम बेगम का नाम बोझला बेगम है। अच्छा, परिवार में जो है खुशी का माहौल है, क्या किस तरह का आपको लग रहा है? क्या अजीब बहुत सारे गुरु, मैं भी दिल से गुरु, मेरे बड़े वाले वाले बेटी को एक है अल्लाह बाग के लिए जनी को अल्लाह बाग के लिए जा मेरी दुल्हन मेरे गला रहा। अजीम की खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही है। दूल्हा गाड़ी को फूलों से सजवा कर अजीम उसमें खूबसूरत शेरवानी पहनकर सवार हुए हैं। बता दें कि पहले चर्चा थी कि अजीम की शादी में पीएम मोदी, सीएम योगी, अखिलेश यादव आने वाले हैं। इसका सवाल जब अजीम से पूछा गया तो अजीम ने खुद ही बताया, उनको टाइम नानी मंडली को उन अगले यादों को उनके पिता का इंतकाल हुआ डेड बोली अगले तो को डैम नहीं आधा अगले तो मिले भी हमें जरूर पक्का अगले की वजह मुलायम जिन की वजह से आया नहीं वो। अजीम की बारात में परिवार के करीब 20 लोग गए हैं। अपनी बेगम के लिए अजीम ने तोहफे के तौर पर सोने की अंगूठी रखी है। बता दें कि पहले अजीम की शादी की तारीख 7 नवंबर बताई गई थी, लेकिन शादी में कोई व्यवधान ना हो इसलिए आज ही बारात लेकर हापुड़ जा रहे हैं। वहीं अजीम के दादाजी भी अपने पोते के निकाह में फूले नहीं समा रहे। मैं बहुत खुश हूँ जी, इससे मेरे सामने करवा दिया, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मेरी भी तमन्ना यही थी कि भाई मेरी जिंदगी में हो जा। अच्छा, बारात जाए कहाँ जा रही है इसकी? हापुड़ जा रही जी। अच्छा, 7 तारीख रखी गई थी, 2 तारीख को ले जा रहे हैं आप, इसका क्या कारण है? ये कि भीड़ भाड़ ना हो। अजी भीड़ भाड़ ना हो इस वजह से ले जा रहे हैं वो पहले। अच्छा, कितने आदमी शामिल है बारात में? 20 आदमी होंगे जी बस। बता दें कि अजीम के छोटे कद की वजह से शादी में काफी दिक्कतें आ रही थी। दर दर भटकते अजीम की मुराद आखिरकार आज पूरी ही हो जाएगी।